हरियाणा के रादौर में एक पार्षद पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने 3 राउंड गोलियां चलाई। गनीमत रहे कि पार्षद की जान बच गई। आपको बता दें कि रादौर के वार्ड नंबर 4 के पार्षद देवेंद्र लक्की पर रादौर के गांव सांगीपुर के पास रंजिशन कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। उन पर हमला उस समय हुआ जब वह कार से अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र जा रहे थे। पार्षद देवेंद्र लक्की के भाई धर्मवीर ने रादौर पुलिस को इस बारे में शिकायत दी, जबकि पुलिस ने बताया कि दूसरे पक्ष की ओर से भी उन्हें शिकायत मिली है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर कार्यवाही में जुट गई है। रादौर थाने में देर रात शिकायत लेकर पहुंचे पार्षद देवेंद्र लक्की के भाई धर्मवीर ने बताया कि वह अपने भाई देवेंद्र लक्की व अरुण के साथ कुरुक्षेत्र दवाई लेने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहे थे। इस दौरान 2 कारों में सवार होकर आए 10 से 12 हमलावरों ने पार्षद देवेंद्र लक्की की कार को साइड मारी और कार को लोहे की रोड से तोड़ डाला। धर्मवीर ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक युवती से अंतरराज्यीय प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते युवती के चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर रंजिशन हमला किया है। उसने बताया कि उन्होंने मौके से कार दौड़ाकर अपनी जान बचाई। वहीं इस बारे में जांच अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि दोनों ओर से मारपीट की शिकायत आई है। पार्षद के भाई धर्मवीर ने शिकायत दी है उन पर रास्ते में गाड़ी को टक्कर मार हमला व फायरिंग की गई। शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। खैर, दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की शिकायत थाने में दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस भी कार्यवाही में जुट गई है। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। मैं अपने बड़ा भाई था, मेरा छोटा भाई था जी, हम कुछ इत्र दवाई लेने के लिए जा रहे थे जी। तो जी हम संगीपुर नक्के के थोड़ी सी आगे पहुँचे थे, वहाँ पे जी एक गड्डी आई XUV, उसने जी पीछे से टक्कर मारी साइड में आके जी। तो जी पीछे से 2-3 कारें और रुकी, हमारी कार जी बंद होगी वहाँ पे। तो उसमें से जी काफ़ी लड़के आए, 2-3 गड़ियाँ थी, 10-15 लड़के देखे हमने। उसमें से ना वो रोड निकाल के लोहे की उन्होंने कार पे हमला करा जी। तो जी हमारी वो बंद पड़ी थी कार, रोडे मार रहे थे ऊपर से जी। विपिन आया जी उतर के, विपिन गुम्बर है जी रदौर का। अच्छा। तो उसने जी फायर किया है जी गड्डी पे, 2-3 फायर किए उसने। ठीक है। बाकी जो साइड में से निकल गए जी, एक हमारी गड्डी में लगा हुआ है, वो गड्डी अभी थाने में खड़ी है जी। हम वहाँ से भाग गए जी, जब हम वहाँ से निकल के भाग गए ना, हमारी कार स्टार्ट हुई, हम वहाँ लाड़वा जान बचाई जी, जाके थाने में, लाड़वा थाने में गए हम। वहाँ पे जाके जी हमने क्यों किया, पुरानी रंजिश थी क्या था? ये जी पुरानी रंजिश नहीं है जी, मेरे बड़े भाई है जी, उनकी थोड़े दिन पहले जी कोर्ट मैरिज में शादी हुई थी जी। तो जी ये विपिन गुम्बर है जी, उनका भाई है जी बड़ा, चाचे का लड़का है जो भी है ये। हाँ जी, ये उसी रंजिश के चक्कर में जी हमला किया गया। हम चोटिल भी है कोई? नहीं, चोटिल तो छोटी मोटी है जी, वैसे हम गड्डी के अंदर ही थे जी, वो गड्डी के ऊपर ही रोड़े मार रहे थे और इसने फायर गंडासी वगैरह भी ले रहे, सारा हमला कर रहे थे। मान लो गड्डी के ऊपर पूरा हमला किया, फायर किए, फायर मान लो एक डिग्गी में लगा हुआ है पीछे से। बाकी हम वहाँ से निकल गए थे जी अपनी जान बचा के, पीछे से हमने जाति से सूचक शब्द बोले जी, हम सुन रहे थे मान लो। ठीक है। बस हम वहाँ से जाके जी लाड़वा थाने में गए, वहाँ जा जान चाहिए। धर्मवीर अपने 3 भाइयों के साथ मिलके कुरुक्षेत्र जा रहे थे जी, 6 गड्डी में। उनके साथ अन्य एक विपिन गुम्बर ने जानलेवा का हमला करा उन पर, अरे गोली चलाई है, ये कंप्लेंट आई है। आगे देखें क्या है, जैसे भी जांच में आएगा तब बताएंगे क्या क्या है। दूसरी तरफ से भी कोई दरख्वास्त वगैरह? हाँ, दूसरी चीज अभी आ रही है जी, उनको भी जांच के बाद कार्रवाई हमें मिलाई चाहिए। उन्हें भी आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला किया गया, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भी उन्होंने जानलेवा हमला करे, दोनों पार्टी एक दूसरे के पक्ष पे आरोप लगा रही है। कोई फायरिंग वायरिंग का भी मामला है? ये कह रहे हैं कि भी जो विपिन है उनने फायर किया है जी। ये ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.